हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मैपिंग की सीरीज चल रही है, बेसिक से एडवांस तक, जिसमें हम लोग मैपिंग कवर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों के लिए एकदम रटा दिया जाता है, और आप लोगों को कुछ भी ऐसा दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपसे बोला है कि सीरीज को देखने के बाद बस डेली आपको 5 मिनट देने हैं, और आपको पूरा का पूरा एटलस है वो आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे वो लोग जाकर के देख सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका। जितना आपको पढ़ाया है उसका आपको क्विक रिविजन भी हो जाएगा, और साथ में आज हम लोग देखेंगे जो स्ट्रेट होती है, चैनल होती है, या फिर आप लोग पासिस के नाम से और हिंदी में जल संधि के नाम से जानते होंगे, उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और उनके थ्रू आप कैसे प्रीवियस क्लासेस को रिविजन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से उन्हें याद कर सकते हैं, आपको बताएंगे। और साथ में यहाँ पर पनामा कैनाल के बारे में बात करेंगे। पनामा कैनाल है, इसकी बनाने की इसकी स्टार्टिंग 400 साल से पहले हो गई थी, लेकिन इसको बनाने में 400 साल का लगभग में समय लग गया था। और कई देशों के प्रयास के बाद, कई देशों ने प्रयास किया लेकिन वो लोग विफल हो गए। फिर बाद में जाकर के अमेरिका और कोलंबिया की सरकार ने मिलकर के इसको बनाया। और इसके बनाने में अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, जो जो सरकारी रिकॉर्ड होता है उसमें लगभग में 25,000 लोग मारे गए। तो ऑफ रिकॉर्ड कितने लोग मारे गए होंगे वो तो कोई नहीं बता सकता। मतलब ऐसा क्या था इस कैनाल को बनाने में कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई फिर भी इसको बना नहीं पाए। आपको जान के हैरानी होगी कि जो स्विस नहर है, तो स्विस नहर भी जिसने बनाई थी उसको भी इसका काम सौंपा गया बनाने का, लेकिन वो भी नहीं बना पाया। तो साफ विस्तार में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर सब कुछ कवर कराया जा रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे इन सभी लोकेशन के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था, क्योंकि वहां से ही इसका संबंध देखने को मिलेगा। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट किए थे, आपको यहाँ पर घुमा रहे थे, ओके, टूर करा रहे थे आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बेसफुट सी देखने को मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट किए थे आर्टिक ओशन से। आर्टिक ओशन से हम अटलांटिक ओशन में और फिर हम प्रशांत महासागर में जाकर के खो गए थे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसफुट सी। बेसफुट सी के बाद आपको बैंक आइलैंड देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो विक्टोरिया आइलैंड, ऊपर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखने को मिलेगा, इधर आपको बैफिन बे देखने को, बैफिन आइलैंड देखने को मिलेगा, बैफिन आइलैंड के बगल में आपको बैफिन बे देखने को मिलेगा, फिर आप लोग ग्रीनलैंड में पहुंच जाएंगे। पूरा आर्कटिक ओशन खत्म हो गया, और आपको बताए थे ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा है, बैफिन है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे विक्टोरिया है, क्वीन एलिजाबेथ है। इसके लिए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल भी बोलते हैं। कितना समय लगा, मुश्किल से 30 सेकंड में पूरा आर्कटिक ओशन खत्म हो गया। जा करके देख लीजिए, फिर भी इस क्लास से रट जाएगा एकदम। फिर उसके बाद हम बोले थे कि चलो अब अटलांटिक में घूम लेते हैं, आर्टिक में बहुत घूम लिए। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पर हडसन की खाड़ी, तो नीचे आपको जेम्स बे देखने को मिलेगा। जेम्स बे से हम गए थे हडसन की खाड़ी में गए थे, और हडसन की खाड़ी से हम लोग उगमा पेनिनसुलर में गए, फिर उगमा की खाड़ी हमको मिला था, फिर हम इधर लेब्राडोर सी मिला, लेब्राडोर सी से आगे गए तो हमको एक द्वीप मिला, न्यूफाउंडलैंड द्वीप आपको देखने को मिलेगा। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर आपके लिए आपको नोवा स्कोटिया देखने को मिलेगा। नोवा स्कोटिया के बगल में ये खाड़ी थी जिसे हम बे ऑफ फंडी बोले थे, जहां पर बस थ्रू जलयान उद्योग है, बहुत ज्यादा डेवलप आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम आगे गए तो यहाँ पर हमको केप कोड देखने को मिलेगा, फिर केप कोड से थोड़ा सा ही आगे आते हैं तो हमें लॉन्ग आइलैंड देखने को मिलता है। लॉन्ग आइलैंड से थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो हमें चिसप की वे देखने को मिलता है। चिसप की वे में मोतियों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग वहां से मोती मोती की वाला खरीदे थे, और खरीदने के बाद आगे बढ़े थे। तो आप आगे आए तो आपको यहाँ पर केप हैट्रस देखने को मिलेगा। केप हैट्रस यहाँ पर ऑफशोर बार, विश्व की सबसे लंबी ऑफशोर बार हमको देखने को मिली, जिसमें हम उतरे और थोड़ा सा आनंद लिया। आनंद लेने के बाद में आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तब हम यहाँ पर बहामा द्वीप समूह पर पहुंच गए। बहामा द्वीप समूह है, यहाँ पर बहामा द्वीप है, एक कोरल द्वीप आपको देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कोरल वोरल, बहुत ही सुंदर दृश्य था। फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग यहाँ पर फ्लोरिडा पेनिनसुलर पे पहुंच गए। फ्लोरिडा पेनिनसुलर के बाद हम लोग गल्फ ऑफ मेक्सिको पहुंचे, गल्फ ऑफ मेक्सिको के बाद युकाटान पेनिनसुलर से हम टकराए और हमारी टांग बांग टूट गई थी। फिर हम आगे बढ़े थे, फिर हम लोग यहाँ पर क्यूबा देखे थे, क्यूबा के बाद हैती आया, और हैती से जुड़ा हुआ आपको डोमिनिकन रिपब्लिक देखने को मिलेगा। फिर आपको इधर प्यूर्टो रिको देखने को मिलेगा, नीचे जमैका, और जमैका से हम लोग कहाँ चले गए, गल्फ ऑफ डेरिन में चले गए थे, और गल्फ ऑफ डेरिन के बाद हमको पनामा कैनाल मिल गई थी। जैसे ही हम पनामा कैनाल से बाहर निकले, अरे हम सोचे अरे ये क्या हो गया, अटलांटिक महासागर से हम किधर आ गए थे, प्रशांत महासागर में प्रवेश कर गए थे। जैसे ही प्रशांत महासागर में प्रवेश करे तो हमको एक गल्फ देखने को मिली, जिसको हमने नाम दिया था
गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक आपको कोरोनाडो गल्फ देखने को मिलेगा। तो कोरोनाडो गल्फ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ हमको इम्पोर्टेंट नहीं मिला, फिर हम जा रहे थे तो हमको देखने को मिली गल्फ ऑफ कोलंबिया और कैलिफोर्निया, सॉरी कोलंबिया ने, कोलंबिया क्या कहाँ है वो दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखिए, तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आगे से बंद थी भाई, ब्लॉक थी, तो हमको लौट के आना पड़ा उदास होकर के, मायूसी के साथ में। तो जब हम लौट के आ रहे थे तो हमें यहाँ पर कैलिफोर्निया प्रायद्वीप देखने को मिला, फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। तो हम लोग पहुंच गए थे जो कनाडा है और यूएसए का बॉर्डर है, तो वहां पर वैंकूवर आइलैंड देखने को मिला था, फिर हमको यहाँ पर क्वीन चार्लोट भी देखने को मिला था, फिर क्वीन चार्लोट के बाद में अलेक्जेंडर द्वीप समूह हमको देखने को मिला था। जैसे ही हम इससे आगे बढ़े थे तो हमको अलास्का की खाड़ी मिला था, अलास्का की खाड़ी के बाद हमको एक द्वीप मिला था जिसको हमने कोडेक आइलैंड बोला, कोडेक आइलैंड के बाद में अलिशियन द्वीप समूह बोल मिला हमको, एकदम ऐसे छोटे छोटे द्वीपों की एक माला टाइप की आपको देखने को मिलेगी। फिर हम लोग बेरिंग सी में पहुंच गए थे, बेरिंग सी के बाद आपको इधर आप लोग आर्टिक ओशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें उधर नहीं जाना है, उधर तो हम पहले ही अभी बिफोर सी के इधर घूम आए थे और आपसे बोले थे 10 बार इसी तरह से आपको घूमना है। और इसके अलावा इधर आपको एक हवाईयन द्वीप देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी थी हुनुलुलु, तो हुनुलुलु के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। ओके, तो ये चीज है। अब देखिए आपको दिखाते हैं कि आधे से ज्यादा चीजें तो आप जानते ही होंगे, अब आपसे पूछेंगे ना, देखिएगा आप ऐसे ही बता देंगे, मतलब चुटकियों में, अभी आपको बहुत सा विस्तार में सभी चीजें समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर डेविस स्ट्रेट, तो इसको अभी समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसा कोई नाम सुना होना नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं इसको भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पर है हडसन स्ट्रेट, हडसन जल संधि, हडसन जल संधि कहाँ पर होगी, जहां पर हडसन की खाड़ी हम लोग कुछ सुने थे। अच्छा, हडसन की खाड़ी सुने, तो हडसन खाड़ी क्या है, ये है। तो यहां से निकलने के लिए जिस जल संधि का, जिस चैनल का हम उपयोग करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, हडसन जल संधि बोल देंगे। यार ये हडसन जल संधि अभी आपको नहीं पढ़ाई थे, फिर भी आपको लोकेशन पता चल गया। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ बेले आइसले, ऐसा कुछ हमने अभी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं अभी आपको बता देंगे। न्यूफाउंडलैंड के बगल में आप लोग गुजरेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए आपको फ्लोरिडा स्ट्रेट देखने को मिलेगा, फ्लोरिडा स्ट्रेट, हमने फ्लोरिडा पेनिनसुलर देखने को मिला, तो फ्लोरिडा पेनिनसुला है, उसी के बगल में ही क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा जल संधि देखने को मिल जाएगा। अपने आप बता दिया ना, अभी हम लोग रिविजन किए, आधी चीजें तो आप ऐसे ही बता देंगे। फिर देखिए युकाटान चैनल, युकाटान चैनल पर हमारी टांग टूटी थी, उससे टकरा गए थे, मैक्सिको की खाड़ी से घूमते घूमते हम तेज अपना जहाज चला रहे थे तो टकरा गए थे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा युकाटान, तो यहाँ पर ही जल संधि देखने को मिलेगी जिसे युकाटान जल संधि बोल देंगे। इसके अलावा बिंडवर्ड है, नाम समझ में नहीं आ रहा, मोना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये अभी आपको बता देंगे। जैसे ये क्यूबा है और हैती के बीच में आपको ये बिंडवर्ड पासेस देखने को मिलेगा, मोना है वो आपको प्यूटो रिको और डोमिनियन रिपब्लिक के बीच में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पनामा कैनाल, पनामा कैनाल से हम पहले ही गुजर चुके हैं तो ये देखने को मिलेगा। साथ में ज्वाइन डिफ्यूगा, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो हम कनाडा, और आपको देखने को मिलेगा इधर जो कनाडा है, ये वाला जो रीजन है मतलब कनाडा यूएसए, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बेरिंग स्ट्रेट यानी कि बेरिंग जल संधि हम लोग देखे थे, बेरिंग सी देखे थे, तो बेरिंग सी में ही क्या होगी, बेरिंग जल संधि होगी। कितना सरल, अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाते हैं। ओके, देखा आधी से ज्यादा चीजें तो आप ऐसे ही याद कर लिए, मतलब अभी आपको नहीं पढ़ाई जल संधि, फिर भी हम लोग जल संधियों के बारे में जानते हैं। अब हम लोग सविस्तार में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डेविस स्ट्रेट। देखिए इधर यहाँ पर हमने लिख दी है और जिनको हाईलाइट कर रहे हैं हम उन चीजों को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेविस स्ट्रेट की। तो देखिए ये क्या है, डेविस स्ट्रेट है, यानी कि इस तरह से ये जल संधि, हमने जूम कर दिया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये जल संधि है। अगर आप बैफिन बे से अपने जहाज से बोट से आएंगे और आकर के आप कहाँ आएंगे, आप अगर अटलांटिक ओशन में आना चाहेंगे तो आपको इस जल संधि को पार करना पड़ेगा। कौन सी जल संधि को पार करना पड़ेगा, डेविस स्ट्रेट को आपको पार करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ये किसको किससे जोड़ता है, तो देखिए बैफिन की खाड़ी को, बैफिन की खाड़ी को ध्यान से देखिए, ये किसको किससे जोड़ता है, तो देखिए बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से जोड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है डेविस जल संधि है वो किसको किससे जोड़ती है, तो वो बैफिन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ती है, लेकिन किसको किससे अलग करती है, तो आप लोग देख सकते हैं बैफिन आइलैंड को ग्रीन आइलैंड से अलग करती है।
यानी कि इधर क्या है बैफिन आइलैंड है और इधर क्या है ग्रीन आइलैंड है, इन दोनों को पृथक करती है, लेकिन जोड़ती किसको है, ये जोड़ती है बैफिन बे को लेबराडोर सी से जोड़ती है। ओके, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, वरना आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, और लेब्राडोर सी कहाँ देखने को मिलेगा, लेब्राडोर सी है वो अटलांटिक महासागर में है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं हडसन स्ट्रेट के बारे में, थोड़ा सा हडसन स्ट्रेट के बारे में देख लेते हैं दूसरे कलर से। तो देखिए ये हडसन की खाड़ी है, जब आप हडसन की खाड़ी से निकलेंगे तो आपको एक जल संधि का उपयोग करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हडसन स्ट्रेट बोलते हैं, या फिर हडसन जल संधि के नाम से जानते हैं। देखिए हडसन जो जल संधि है ये किसको किससे जोड़ती है, तो आपको देखने को मिलेगा हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है ये किसको किससे जोड़ती है। और देखिए किसको किससे अलग करती है, तो आपको देखने को मिलेगा, अगर आपसे उगमा प्रायद्वीप भी पूछा जा सकता है, ओके, या फिर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि बैफिन आइलैंड है उसको कनाडा के रीजन से अलग करती है, या फिर उगमा प्रायद्वीप को बैफिन आइलैंड से अलग करती है, इस तरह से भी बोला जा सकता है, मतलब घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे ये कनाडा को किससे अलग करती है, बैफिन आइलैंड से अलग करती है, या फिर उगमा पेनिनसुलर को बैफिन आइलैंड से अलग करती है। ओके, किसको किससे जोड़ती है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है। ओके, समझ में आ गया। चलिए ये हडसन स्ट्रेट भी आपका क्या हो गया, कवर हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेट ऑफ बेले आइसले, तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए आपको यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड देखे थे आप लोग, तो न्यू फाउंडलैंड है, इसी के बगल में देखिए यहाँ पर आपको एक गैप देखने को मिलेगा, मतलब इस तरह से स्ट्रेट है। ओके, इस तरह से स्ट्रेट है। तो देखिए जो बेले आइसले है, बेले आइसले जल संधि है, वो किसको किससे जोड़ती है, वो आपको देखने को मिलेगा लेब्राडोर सी को गल्फ ऑफ लॉरेंस से जोड़ती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी के बारे में आपके लिए थोड़ा सा बताएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है किसको किससे जोड़ती है, ये तीसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है जो आपको देखने को मिलेगा। ये पहला नंबर है, ये आपको दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, स्ट्रेट ऑफ बेले आइसले, ये चीज है। ओके, समझ गए आप लोग। अब ये अलग किसको किससे करती है, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा ये जल संधि है ये न्यू फाउंडलैंड को, किसको, न्यू फाउंडलैंड को आपको देखने को मिलेगा कि कनाडा से अलग करती है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए तीनों की तीनों कवर हो गई बहुत ही आसानी से, ऐसे ही आपको लिखना है, लिखना भी है आप लोगों के लिए। देखिए आपको नोट्स दे दिया जाएगा इस तरह से, अभी हम लोग बहुत सा विस्तार में इस चीज की बात करेंगे, एक सेकेंड आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से ये जल संधि है, ओके, ये सब जल संधि है, इनके बारे में इस तरह से आपको लिखना है, और ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए दे दी जाएगी जिससे आप लोग क्रॉस चेक एक बार कर लें। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखना है डेविस जल संधि के बारे में, तो डेविस जल संधि है वो बैफिन आइलैंड को ग्रीन आइलैंड से अलग करती है, जबकि बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से यानी कि सागर से जोड़ती है। इसी तरह से हडसन की खाड़ी, तो हडसन की खाड़ी उगमा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है, जबकि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है। इस तरह से आपको लिखना है इन सभी जल संधियों के बारे में। अभी रुक जाइए, सब कुछ सविस्तार में हम लोग पढ़ाते हैं। तो चलिए ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए मिल जाएगी, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में कमेंट कर दे, तो आप लोगों के लिए एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमने इन तीनों जल संधियों के बारे में देख लिया है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट के बारे में। तो देखिए फ्लोरिडा स्ट्रेट कहाँ देखने को मिलेगी, जहां पर फ्लोरिडा द्वीप था। तो देखिए जब हम बहामा द्वीप से, बहामा द्वीप क्या है, प्राय आपको कोरल द्वीप देखने को मिलेगा, जब हम इससे जा रहे थे तो हमको एक प्रायद्वीप देखने को मिला, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। तो देखिए यहाँ पर ये फ्लोरिडा चौथे नंबर की जो आपको देखने को मिलेगी, यही क्या है, फ्लोरिडा जल संधि है। अब आपसे पूछा जाए फ्लोरिडा जल संधि है वो किसको किससे जोड़ती है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, जो अटलांटिक महासागर है उससे जोड़ती है। ओके, किसको किससे अलग करती है, तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। किससे अलग करती है, फ्लोरिडा, आप लोग अपनी एटलस में देखिएगा, एटलस खोल के रखिएगा जब आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं,
और आप लोगों के लिए सर्च करना है। ओके तो देखिए किसको किससे फ्लोरिडा स्ट्रेट है वो किसको किससे अलग करेगी, वो अलग करेगी फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा द्वीप से अलग करेगी, लेकिन जोड़ेगी किसको तो आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक महासागर को गल्फ ऑफ मेक्सिको से जोड़ती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरी, हम लोग दूसरी वाले के बारे में, यानी कि ये कौन सा हो गया, ये चौथे नंबर की हो गई। ये कौन सी है, ये चौथे नंबर की है फ्लोरिडा स्ट्रेट है। ओके तो चलिए हम लोग पांचवें नंबर की देख लेते हैं, कौन सी है, यूकाटान चैनल। यूकाटान चैनल कौन सा है, जब हम गल्फ ऑफ मेक्सिको से निकल रहे थे तो हमको एक प्रायद्वीप देखने को मिला। तो देखिए ये क्या है, यूकाटान प्रायद्वीप है। ये क्या है, यूकाटान प्रायद्वीप। तो यहां से ही देखिए इस तरह से एक जल संधि है। ओके जल संधि क्या होता है, हम आपको बताए थे, एक सकरा भाग होता है, जलीय भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है और साथ में दो स्थलों को अलग करता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये पांचवें नंबर का है और यूकाटान पेनिनसुलर के पास में, इसीलिए इसको यूकाटान चैनल का नाम भी दे दिया जाता है। ओके अब देखिए ये किसको किससे अलग करती है, तो आपको देखने को मिलेगा ये यूकाटान पेनिनसुलर को क्यूबा से अलग करती है। यूकाटान पेनिनसुलर को किससे अलग कर रही है, क्यूबा से अलग कर रही है, और किसको किससे जोड़ रही है, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ती है। ओके गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ती है, कौन, यूकाटान चैनल। ओके अब देखिए यूकाटान चैनल के बाद में आपको देखने को मिलेगा बिंडबर्ड पासेज और मोना पासेज और जमैका। देखिए ये तीनों क्या है, ये कैरेबियन द्वीप समूह के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए ये मुख्य यहाँ पर बहुत हॉट पॉच हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पेज पर बता देते हैं। देखिए हम बिंडबर्ड पासेज की बात करते हैं, देखिए बिंडबर्ड पासेज है तो हम पहले देख लेते हैं मुख्य मुख्य द्वीपों के बारे में आपको बता देते हैं। तो एक आपको देखिए एक देखने को मिलेगा क्यूबा, दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हम आपको बताए थे हैती, और इधर वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डोमिनियन रिपब्लिक। ओके एक ही देखिए एक ही द्वीप है, बस इसमें क्या है दो पार्ट है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसी तरह से एक हमको इधर देखने को मिलेगा प्यूटो रिको जो काफी मुख्य है। इसके अलावा आपको इधर देखने को मिलेगा कौन सा, जमैका देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जमैका आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा। ओके तो देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जल संधियों के बारे में। तो देखिए क्यूबा और इधर हैती, क्यूबा और हैती के बीच में एक आपको जल संधि देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं बिंडबर्ड पासेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंडबर्ड पासेज बोलते हैं। ये किसको किससे अलग करता है, ये क्यूबा को हैती से अलग करता है। किसको अलग करता है, क्यूबा को हैती से अलग करता है, और किसको किससे जोड़ता है, तो कैरेबियन सी को अटलांटिक जो सी है हमारा उससे जोड़ता है। ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला। तो देखिए अगला वाला है मोना पासेज। तो मोना पासेज है वो देखिए प्यूटो रिको और साथ में आपको डोमिनियन रिपब्लिक है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। यानी कि ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये कैरेबियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है, लेकिन किसको किससे अलग करता है, तो जो प्यूटो रिको हमारा जो द्वीप है उसको डोमिनियन रिपब्लिक से अलग करता है। ओके ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। इसी तरह से आपको जमैका देखने को मिलेगा, जमैका किधर होगा, जिधर जमैका द्वीप हम लोग देखे थे। तो देखिए इधर हम लोग जमैका द्वीप देखे थे, तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ए ए। ओके तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये किसको किससे अलग करती है, तो देखिए ये किसको किससे अलग करती है, तो आपको देखने को मिलेगा क्यूबा को जमैका से है वो अलग करती है, और किसको किससे जोड़ती है, तो इधर आपको कैरेबियन सी है उसको जोड़ती है, इधर आप चले जाएंगे तो गल्फ ऑफ मेक्सिको से जोड़ती है। ओके तो देखिए ये मुख्य मुख्य है, और इधर देखिए आपको बारबाडोस भी देखने को मिलेगा। बारबाडोस किस में आता है, लेजर एंटलिस द्वीप समूह के अंतर्गत ही आता है बारबाडोस। एक अभी आपको देखने को मिलेगा सबसे नया गणराज्य बना, इस पर पहले आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन उन्होंने कहा अधिकार नहीं था, मतलब ये स्वतंत्र देश तो पहले ही से ही था, बस इसके देश का जो प्रमुख होता है गणराज्य, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देश का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है वो चुना हुआ होता है लोगों के द्वारा, लेकिन पहले यहाँ पर ब्रिटिश परंपरा चलती थी, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम देश भी हैं, अब साथ में हम रिपब्लिक भी बनना चाहते हैं। जैसे भारत क्या एक रिपब्लिक है, क्योंकि भारत का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाएगा तब भी हम उसको रिपब्लिक ही बोलेंगे। ओके तो बारबाडोस है ये विश्व का सबसे नया गणराज्य देश बना।
ओके, तो ये क्या है बारबाडोस, ये हम पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जमैका देख लिए, जमैका स्ट्रेट या जमैका चैनल देख लिए, तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पनामा में। पनामा कहाँ है देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पनामा नहर है, मानव निर्मित आपको देखने को मिलेगी। किसको किससे जोड़ती है आपको देखने को मिलेगा, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या फिर अगर हम लोग इसके और सूक्ष्म लेवल पे आए तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर कैरेबियन सी को इधर प्रशांत महासागर से जोड़ती है। लेकिन और थोड़ा सा अंदर आए, थोड़ा सा और अंदर आकर के पूछे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर गल्फ ऑफ डेरिन देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ डेरिन को गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ती है। ओके, तो देखिए बहुत ज्यादा ऐसे हम अंदर चले जाएंगे चले जाएंगे तो आप लोग कैसे भी क्वेश्चन कैसे भी आएगा घुमा फिरा करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पनामा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, पनामा रिवर देखने को मिलेगी। देखिए इस तरह से इसमें चैनल देखने को मिलेंगे। ये चैनल क्या करते हैं, जल स्तर को ऊपर नीचे करते हैं। क्या करते हैं, जल स्तर को ये ऊपर नीचे करते हैं, जिससे शिप होती है वो आसानी से इसमें आकर के पार हो जाती है। तो देखिए इस वाले चैनल में आपको पानी ज्यादा देखने को मिलेगा, इस वाले चैनल में क्या है पानी का स्तर कम देखने को मिलेगा। तो ये पानी का स्तर ऊपर नीचे किया जाता है पंप के माध्यम से। ओके, तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। देखिए आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरह से, देखिए आपको बना करके दिखाते हैं एक बार। तो देखिए इस तरह से आपको ये अमेरिका देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों के लिए भी मैप बना लेना है 2 मिनट में। तो देखिए यहाँ पर आपको पनामा देखने को मिलेगा एकदम नीचे, अभी आप लोग जानते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि देखिए अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में अगर हम लोग आना चाहते हैं तो बीच में क्या है, एक एक आपको देखने को मिलेगा पनामा इस्थमस देखने को मिलेगा। इस्थमस क्या होता है, आपको स्थल संधि देखने को मिलेगा, जिसको मानव के द्वारा काट कर एक नहर में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके माध्यम से हम जहाजों को एक महासागर से दूसरे महासागर में ले आते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, आखिर ये जहाज कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाज है अगर वो चलेगा तो वो बहुत अंदर तक जाता है, तो इसीलिए पानी का स्तर हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है। एक स्थल से हमें गुजारना है जहाज को, सोचो जहाज कहाँ चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, लेकिन एक स्थल से गुजारना है इतने बड़े कार्गो शिप को, कार्गो शिप होते हैं बहुत बहुत बड़े होते हैं शिप, तो उन शिप को गुजारना है तो कितने पानी की हमको जरूरत पड़ेगी। तो उस पानी को तो हम हमेशा रोक करके रख नहीं सकते, तो हमने क्या बना दिए, ब्लॉकेज बना दिए, मतलब इस तरह से चैनल बना दिए। अब हम क्या करते हैं, इनको इंटरलिंक कर दिया, मतलब इस वाले चैनल को इस वाले चैनल से लिंक कर दिया, और इधर एक और चैनल बना दिया इस तरह से, इसको इससे लिंक कर दिया। अब देखिए जब सिप आता है पहले वाले में, सिप आता है पहले वाले में, तो इसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, तो हम इस वाले से पानी निकाल करके इसमें ट्रांसफर कर देते, तो इसका जल स्तर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और फिर जहाज को यहाँ पर जहाज होता है वो खिसकते खिसकते यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद अब इसका पानी हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और इसमें भेज देते हैं, और साथ में इसका पानी भी थोड़ा सा इधर भेज देते हैं, इसका जल स्तर ऊपर चला जाता है, फिर आराम से सिप क्या हो जाता है इस तरह से आगे चला जाता है, फिर इस तरह से और सिप आगे चला जाता है, यही प्रोसेस चलता रहता है, पानी को इधर उधर बदलना पड़ता है। लेकिन बीच में क्या था, स्थमस था, मतलब स्थल संधि था, उसको खोद करके एक लेक बनाया गया। मतलब लेक का मतलब क्या होता है, एक झील बनाई गई जिसको बोलते हैं ग्वाटिन झील। ओके, ग्वाटिन झील के नाम से जानते हैं जिसको, ये मानव निर्मित झील आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कैसे। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्थल है, बहुत ऊंचा स्थल यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन सिप क्या ले जाना है हमको, इस ऊपर से ले जाना है, तो इनके लिए हमने क्या बनाए इस तरह से, देखिए ये हमने चैनल बना दिया, मतलब ब्लॉकेज बना दिए, इनके माध्यम से हम पानी के जल स्तर को कम ज्यादा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पानी के जल स्तर को कम ज्यादा कर लेते हैं। इधर हमको क्या देखिए, एक ग्वाटेन रिवर है, इससे हम पानी ले लेते हैं, इस रिवर के लिए हम क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, और इसी रिवर से हम पानी लेते हैं, और इससे एक झील का निर्माण हुआ, इसी के लिए बोलते हैं ग्वाटिन लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाटिन लेक बोलते हैं। और चलिए अब हम लोग देखते हैं ये कैसे वर्क करती है, वर्क एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आपको वीडियो चला करके एक बार दिखाते हैं। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको ये सिप देखने को मिलेगा।
तो ये सिप है ये हल्के हल्के अभी आगे बढ़ेगा। ओके तो देखिए यहाँ पर सिप है ये नीचे है। अभी सोचिए ये कहाँ है, पैसिफिक ओशन में। अब पैसिफिक ओशन से कहाँ जा रहा है ये अटलांटिक ओशन में जाना चाहता है। तो देखिए अभी हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो या इसका पानी क्या कर दिया हमने स्तर बराबर कर दिया, इससे सिप आराम से लगे। अभी देखिए इसमें जल स्तर ज्यादा है तो इसका हम पानी निकालेंगे और थोड़ा सा इसमें भेज दिए। अब स्तर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब सिप क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। अब देखिए सबसे ऊंची भूमि पर अब सिप आ चुका है। अब देखिए फिर से हमने पानी चेंज किया और चैनल में आगे बढ़ा करके इस तरह से सिप है वो आगे निकल जाता है टहलते हुए। अभी हम आगे जाएंगे तो फिर से अब हम क्या करेंगे, अब हल्के हल्के सिप को नीचे उतारना प्रारंभ करेंगे। ये सीढ़ी नुमा ही एक तरह से देखने को मिलेगा। अब सिप क्या होगा, अब सिप नीचे उतरना प्रारंभ करेगा। भाई देखिए अभी सिप तो ऊपर था, अब देखिए हमें क्या करना है, सिप को नीचे ले जाना है। अब क्या करेंगे, हम सिप को आगे पहुंचाएंगे। अब थोड़ा सा पानी है, इस बाले का काम करेंगे, जल स्तर बराबर हो गया। जल स्तर बराबर हो गया, हम गेट खोलेंगे, सिप आगे चला जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें जल स्तर को नीचा करेंगे। तो देखिए ये क्या है, सीढ़ी की तरह ही है, लेकिन सीढ़ी पर हम डायरेक्ट सिप को ऐसे उछाल नहीं सकते ना, उसको तो क्या चाहिए, एक समान लेवल चाहिए, तभी तो वो आगे जा पाएगा। तो इसीलिए हमको चैनल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आसानी से ये जो सिप है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इस वजह से लगभग मैं 8,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अगर हम बात करें उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, पहले घूम करके दक्षिणी अमेरिका घूम करके जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है वो डायरेक्ट यहाँ से ही चले जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ईंधन की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है और बहुत आसान हो गया। लेकिन ये इतनी छोटी सी दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लग जाता है और एक दिन में लगभग में 44 सिप ही इससे होकर के गुजर पाते हैं। सिर्फ 44 सिप ही इससे होकर के गुजर पाते हैं, क्योंकि ये चैनल है, ये पानी कम ज्यादा करना, ये पानी ऐसा थोड़ी ना एक बाल्टी है इधर से इधर कर दो भाई, इतने इतने बड़े सिप को गुजारने के लिए कितने कितना पानी की आवश्यकता होती होगी, तो कितने बड़े बड़े पंप सेट होंगे। अब इसके चौड़ाई की वृद्धि की भी बात की जा रही है भाई, इसको और बढ़ा दिया जाए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग और थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए पनामा कैनाल है, ये बनना अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले से ही विचार आने लगा लोगों के, 1500 ईस्वी के समय से ही लोगों के अंदर विचार आने लगा कि हम लोग पनामा इस्थमा से उसको काट करके पनामा रिवर बना दें, जिससे हम आसानी से व्यापार कर सकें। तो देखिए इसका जो आपको देखने को मिलेगा, 1534 में सबसे पहले इसका सर्वेक्षण का काम स्पेन की गवर्नमेंट और साथ में रोम की गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया और इसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद में काम थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। फिर बाद में 1658 में, क्योंकि स्पेन और रोम की साम्राज्य बोली यार ये हमारी अभी बस की बात नहीं, हमारी बस की बात नहीं, देखिए इतना पानी ट्रांसफर करने के लिए पंप सेट की जरूरत पड़ेगी। और अभी सोचो 500 साल पहले की बात है, 500 साल आज भी हम, अभी सोचो एक नदी से दूसरी नदी में पानी को अगर हमें पंप करना हो तो हमारे पास इतने सारे चैलेंजेस होते हैं। तो सोचो 400 साल पहले इतनी आधुनिक मशीनें नहीं थी, तो वो लोग कैसे इस चीज को सोच सकते थे। ओके तब भी उन लोगों ने सोचा, निर्माण करने का वो सोचा, सर्वेक्षण भी किया। तो आप देख सकते हैं 1534 में सबसे पहले सर्वेक्षण हुआ इसका नदी बनाने के लिए। फिर आप लोग देख सकते हैं लगभग में 100 साल से ज्यादा समय के बाद, मतलब एक शताब्दी के बाद फर्स्ट टाइम, प्रथम बार प्रयास किया गया पनामा नहर को बनाने के लिए, किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्कॉटलैंड आपको देखने को मिलेगा। इस देश की सरकार ने सोचा कि अब हम बनाएंगे और बनाने का प्रयास भी किया और यहाँ पर स्टार्ट भी किया, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण उन्हें इसको रोकना पड़ा, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं था। फिर आपको देखने को मिलेगा फिर से एक शताब्दी के, ये 2 शताब्दी के बाद, ओके मतलब एक शताब्दी के बाद, पहले एक शताब्दी पहले सर्वेक्षण हुआ, फिर दूसरी शताब्दी में दूसरी सरकार ने इसको बनाने का प्रयास किया, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण इसको बंद कर दिया गया। फिर 1855 में इसको फिर से प्रारंभ किया गया इसका सर्वेक्षण का कार्य, फिर 1877 में फिर से इसका सर्वेक्षण का कार्य किया गया, और सर्वेक्षण का कार्य करने के बाद 1881 में फिर से एक काम सौंपा गया फर्डीनेड को। देखिए ये कौन था, स्विज नहर का निर्माण करता है, इसी ने स्विज नहर का निर्माण किया। तो स्विज बोले कि भाई इसने तो स्विज नहर का निर्माण कर दिया, ये तो इसकी तो वाहवाह थी पूरी दुनिया में। बोले कि इसी कारीगर को बुलाओ, यही बना देगा पनामा नहर। लेकिन ये भी बेचारा पनामा नहर नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया, जब फर्डीनेड ने 1881 में पनामा नहर बनाना स्टार्ट किया तो इसको बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि उसी समय
विषम परिस्थितियां भी चल रही थी। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाती थी, प्लेग फैल जाता था यहाँ पर। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इस रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, साथ में वर्षा अचानक से बहुत ज्यादा होने लगती थी। तो वर्षा के कारण, इन सभी चीजों के कारण वो गड्ढा खोदते थे, वो गड्ढा फिर से फट जाता था और लोगों की भी बहुत ज्यादा मृत्यु होने लगी। और लगभग में यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड जो चीज है, ऑन रिकॉर्ड सोचो इतने साल पहले की बात है, तब रिकॉर्ड में यहाँ पर 22,000 लोग मारे गए सिर्फ और सिर्फ फर्डिनेट के नेतृत्व में जब कार्य चल रहा था, तब 22,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी अकेले। फिर फर्डिनेट बोला ये हमारी बस की बात नहीं, 22,000 लोग एक नहर को बनाने में मारे गए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, वो भी ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड तो कितना होगा। फिर फर्डिनेट ने भैया कान पकड़ लिए, बोले कि हमें स्विच का निर्माण कर दिया, पनामा नहीं कर पाएंगे। फिर एक कंपनी थी जो पनामा कंपनी, पनामा के नाम से ही आपको देखने को मिलेगा, पनामा कंपनी थी, इसको कार्य सौंपा गया, लेकिन ये भी थोड़ा कार्य की। फिर बोले कि ये हमारी बस की बात नहीं भैया, हम छोड़ देते, हम नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से सारे जिद्दोजहद की गई। भाई पहले ऐसे बड़ी बड़ी क्रेनें नहीं थी, ऐसे गड्ढा खोद दिया, किसी भी स्थल को काट दिया, किधर से भी कुछ कर दिया। उस समय इतना, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी। आज भी अगर एक कार्य बोला जाए तो अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ चौड़ाई की वृद्धि की बात की जा रही है, तब भी इतने सालों से कार्य रुका हुआ है। तो फिर बाद में ये 1904 में, यहाँ पर लिखा नहीं है, डेट लिख लीजिए, 1904 में अमेरिका ने और साथ में कोलंबिया की सरकार ने मिल करके निर्णय लिया कि चलो अब हम पनामा रिवर का निर्माण करेंगे। फिर इन दोनों गवर्नमेंट ने मिल करके बहुत सारा पैसा लगाया और बहुत सारे इंजीनियर को बुलाया, देश दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया गया और फिर एक कार्य प्रारंभ किया गया। तो 1904 में कार्य प्रारंभ हुआ, 1914 में जाकर के 10 साल यहाँ पर इसको बनाने में लगे। फिर 15 अगस्त 1914 से एक कार्य करना प्रारंभ कर दे। वैसे 14 अगस्त को बन गई थी ये रिवर, लेकिन 15 अगस्त से इसमें पहला शिप गया था, एंटर किया था और फिर तब से एक कार्यरत है। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो आपको 72 किलोमीटर लंबाई देखने को मिलेगी। ये फैक्ट्स ज्यादा रटने नहीं है, कोई फैक्ट्स आपको रटना नहीं है। अब बनडे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक कभी कभार पूछ लेता है। तो 72 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 90 मीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी। इसमें 12 मीटर है वो इसकी गहराई है और साथ में 8 घंटे का समय लगता है अगर एक शिप को इधर से उधर ले जाना हो। इसके अलावा लगभग में 42 से 44 शिप हैं वो एक दिन में यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं और इसकी वजह से लगभग में 8,000 किलोमीटर दूरी है वो कम हो गई पूर्वी और पश्चिमी अमेरिका की, अगर हम शिप के माध्यम से समुद्री दूरी की बात करें तो। इसके अलावा देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है, जो महत्वपूर्ण बात देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इसमें दो इसके प्रमुख बंदरगाह है, पनामा नहर के दो प्रमुख बंदरगाह हैं। ये पूरब वाला बंदरगाह है जिसको बोलते हैं कोलोन बंदरगाह, एक किधर है ये पूरब की ओर है, ओके, यानी कि पूर्वी जो इसका मुख है, ओके, इस रिवर का पूर्वी मुख है वो कहाँ है, कोलन बंदर का, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। और उसी तरह से पश्चिमी, पश्चिम की ओर जो इसका मुंह खुलता है जाकर के, वहां पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है पनामा सिटी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों बंदरगाह हैं, ये कोलोन है दूसरा पनामा सिटी है, दोनों दोनों बंदरगाह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे, ओके। और इसी की वजह से इस पनामा नहर की वजह से जो पनामा सरकार है ना उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, कितना, 1.8 अरब डॉलर प्रति वर्ष उसको फायदा होता है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर गुआटिन लेक है जो मानव निर्मित देखने को मिलेगा, जहाँ जिसको पानी किससे मिलता है, गुआटिन रिवर से जिसको पानी मिलता है। अगर हम बात करें तो 800 डॉलर से अगर हम मतलब जो ट्रांसपोर्ट वाले, नहीं छोटी छोटी नौकाओं की बात नहीं कर रहे हैं, जो शिप होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको पार करने में 800 डॉलर से लेकर के 4.5 लाख डॉलर रुपए भी देने पड़ते हैं इससे गुजारने के लिए। किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है फिट पर। जैसे 800 डॉलर है वो आपको देखने को मिलेगा लगभग में 50 फिट तक, लगभग में 50 फिट तक अगर कार्गो शिप की हाइट है तो उसके लिए 800 डॉलर तक पे करने पड़ते हैं, 800 से 2,500 डॉलर तक पे करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे
हल्के हल्के प्राइस बढ़ने लगता है, फिर जैसे 300 फिट 400 फिट, जितना बड़ा आपका कार्गो शिप हो उतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो अधिकतम यहाँ पर आप लोग देखेंगे 4.5 लाख रुपए नहीं है, 4.5 लाख डॉलर आपको देखने को मिलेंगे एक शिप के लिए पार करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ आप लोगों के लिए पनामा के बारे में बता दिए, अभी हम लोग देखते हैं जुआन डिफ्यूगा स्ट्रेट के बारे में। तो देखिए जैसे हम पनामा से बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये बैंकूवर आइलैंड। ये क्या है? बैंकूवर आइलैंड, बैंकूवर आइलैंड है। इसी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जुआन डिफ्यूगा स्ट्रेट जल संधि देखने को मिलेगा, जो कनाडा को बैंकूवर आइलैंड से अलग करता है, बैंकूवर आइलैंड से अलग करता है, जो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्या है? बेरिंग स्ट्रेट है। ये किसको किससे जोड़ता है? तो ये बेरिंग सी को बेफूड सी से जोड़ता है। अगर हम महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर को आर्टिक महासागर से जोड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा 11वें नंबर का, ये कौन सा है? 10वें नंबर का जुआन डिफ्यूगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से आपको लिखना है। तो एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको डेविस स्ट्रेट देखने को मिलेगा। डेविस स्ट्रेट कहाँ पर है? जहां पर बेफिन आइलैंड देखने को मिलेगा और साथ में ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? आपको पहली पहली स्ट्रेट देखने को मिलेगी। दूसरी कौन सी है? दूसरी ये हडसन वाली आपको देखने को मिलेगी। तीसरी है जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बेले आइसले, बेले आइसले के बाद आप इधर आएंगे तो आपको ये वाली देखने को मिलेगी फ्लोरिडा। ओके, फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट के बाद आपको युकाटान आपको देखने को मिलेगी, युकाटान स्टेट। और इधर आपको विंडवर्ड देखने को मिलेगा जो क्यूबा और हैती के बीच में है, जो 6वें नंबर पर है। इसके अलावा आपको 7वें नंबर पर देखने को मिलेगा प्यूटो रिको और जो डोमिनियन रिपब्लिक है इनके बीच में पाई जाती है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मोनापासिस। तो ये 7वें नंबर की है मोनापासिस। फिर इसके बाद जो जमैका आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 8वें नंबर की आपको देखने को मिलेगा जमैका चैनल जिसको बोलते हैं। फिर आपको पनामा देखने को मिलेगा, पनामा कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको इधर बैंकूवर के पास में ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, देखिए हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग करने लगा है, जिसको जॉइंट डिफ्यूगा बोलते हैं। ये 10वें नंबर की है और 11वें नंबर की ये है बेरिंग वाली। ओके, बेरिंग स्टेट आपको देखने को मिलेगी, ये 11वें नंबर पर है। तो इस तरह से आपको रिविजन करते हुए चलना है और बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण सूचना है, कल से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 3 मार्च से आपको देखने को मिलेगा हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। इसकी जो फीस है वो 99 रुपए प्रति मंथ है। अगर आप लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पर जाकर के हमारी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्लब आई सस्पेंड जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। ये हमारा ओल्ड बैच चल रहा है जिसका नाम है सेकंड फाउंडेशन बैच, इसमें एडमिशन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। आपको एडमिशन लेना है अचीवर बैच में, ये हमारा न्यू बैच है। इसकी जो फीस है वो 376 रुपए है, लेकिन अगर आप लोग RG Sir 9 कोड का उपयोग करेंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा 60% का डिस्काउंट दिया जाएगा वन टाइम पेमेंट करते समय। तो इसकी जो फीस है वो सिर्फ 999 रुपए हो जाएगी। अगर आप लोग वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट नहीं, आप लोग मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो मंथली ऑप्शन भी इसमें दिया रखा है, जाइएगा वहां पर एक ऑप्शन दिया रखा होगा पे इंस्टॉलमेंट का। तो पे इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप 99 रुपए प्रति मंथ आप लोग यहाँ पर पे कर सकते हैं जाकर के। ओके, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ ए टू जेड दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, तो वहां से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी क्लासेस किस तरह से दी जाएंगी वो यहाँ पर साफ विस्तार में जानकारी दी गई है। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल है जो यूट्यूब चैनल है क्लब आई सस्पेंड, इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अचीवर बैच का ऑप्शन एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इस प्ले लिस्ट में सभी डेमो वीडियो पड़ी हुई है, इस प्रोग्राम के बारे में सब विस्तार में बताया गया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए डेली टास्क दिया जाता है, ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पर आपको डेली टास्क दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, इसके अलावा साथ में बताया जाता है कि आपको मैपिंग टास्क कौन सा है, रिविजन क्या करना है, सब कुछ बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मेन्स के क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन है डेली आपको दिए जाते हैं, इनको आप लोग लिख करके सबमिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये मैपिंग प्लेलिस्ट है, आप लोग मैपिंग पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी की सभी वीडियो हैं, वो डेली आपको 3 बजे अब मिला करेंगी। ओके, डेली आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे 3 बजे आएंगे तो आप लोग आकर के देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा विजन की एक अलग से हम टेस्ट एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें टेस्ट सीरीज आपको कराई जाती है, जितनी भी स्टडी मटेरियल है विजन का वो भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेली
सुबह आपको देखने को मिलेगा, सुबह 7 बजे है इस शिवम सर के द्वारा यहाँ पर विजन का करंट अफेयर 1 साल का कवर कराया जा रहा है। मई 2021 से लेकर के मई 2022 तक का करंट अफेयर है वो कवर कराया जा रहा है, आप लोग आकर के देख सकते हैं। इसके अलावा तिरशा मैम है वो डेली दोपहर 12 बजे आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराती हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग आराम से आकर के हमसे जुड़ सकते हैं, क्लब है वो आपके हमेशा साथ है और आपको हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करता रहेगा। ओके, चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से साथ बनाए रखें।